नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश शास्त्री और हम आज आपसे वार्ता करेंगे सप्तमम कालरात्रि। मां कालरात्रि की पूजा से दूर होता है अकाल मृत्यु अभय, बहुत अद्वितीय है। मां दुर्गा के सप्तम स्वरूप को कालरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि में सप्तमी तिथि को इनकी आराधना की जाती है। इनका स्वरूप देखने में थोड़ा प्रचंड है, लेकिन ये अपने भक्तों के प्रति शुभ फल प्रदान करती है। मां कालरात्रि की पूजा करने से भक्त सभी तरह के भय से दूर हो जाते हैं। इनका वाहन गर्दव अर्थात गधा है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, दुश्मनों का नाश होता है। माता के सप्तम स्वरूप की पूजा करने से काल का नाश होता है। नवरात्र के दिनों में माता के दर्शन करने से सुबह से ही इनके मंदिर में भक्तों का तांता लग जाता है। मान्यता है कि माता के सप्तम स्वरूप की पूजा करने से काल का नाश होता है। मां के इस स्वरूप वीरता और साहस का प्रतीक। पूजा विधि की अगर हम बात करें तो कलश पूजन के बाद दीपक जलाएं, रोली अक्षत फल फूल आदि से पूजन करें। मां को लाल पुष्प बहुत प्रिय है, इसलिए पूजन में गुड़हल अथवा लाल फूल अवश्य अर्पित करें। गुलाब का पुष्प भी लाल होता है, उसको भी अर्पित कर सकते हैं। ध्यान मंत्र का उच्चारण करें और गुड़ से बना हुआ भोग लगाएं, और यदि संभव हो तो गुड़ ब्राह्मणों को दान करें तो इससे माता जी बहुत प्रसन्न होती। मां कालरात्रि का जो बीज मंत्र है क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः, ब्रह्मांड की तरह है मां के नेत्र भयमुक्त। देवी भागवत पुराण के अनुसार मां के तीन नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल व गोल हैं, जिनमें बिजली की भांति किरणें निकलती हैं, और चार हाथ हैं जिनमें एक में खड्ग अर्थात तलवार है, दूसरे में लोह अस्त्र है, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है और चौथा वरद मुद्रा में है। तो ये सिद्ध देने वाला स्वरूप है। मां का वाहन गर्दभ अर्थात गधा है, जो समस्त जंतुओं से सबसे ज्यादा परिश्रमी, निर्भय होकर अपनी अधिष्ठात्री कालरात्रि को लेकर इस संसार में विचरण कर रहा है। देवी का यह स्वरूप रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला है, क्रोध पर विजय प्राप्त करने में सहायक है। मां कालरात्रि की पूजा करके आप अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कालरात्रि को काली का रूप में भी माना जाता है। इनकी उत्पत्ति देवी पार्वती से हुई है। सप्तमी की पूजा सुबह अन्य दिनों की तरह होती है, परंतु रात्रि में विशेष विधान है देवी पूजा का। और देवी भागवत पुराण के अनुसार हर प्रकार की मुराद पूरी करती हैं। कालरात्रि की पूजा करने वालों के लिए जगत में मौजूद कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। माता अपने भक्तों को की हर मुराद पूरी करती हैं। आदि शक्ति माँ अपने भक्तों के कष्ट का अतिशीघ्र निवारण कर देती है। अगर हम भोग और प्रसाद की बात करें तो सप्तमी तिथि को देवी माँ कालरात्रि को भोग में गुड़ के नैवेद्य अर्पित करें। पूजा के बाद गुड़ को ब्राह्मणों को दान करें और गुड़ के बने प्रसाद को वितरित कर दें। इससे लंबे समय तक चल रहे शोक मिट जाते हैं और खुशियां आती हैं, परिवार में शांति और समृद्धि का वातावरण होता है। आज बस इतना ही, नमस्कार। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।